हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट 155 डिग्री एंगल विथ कंपास, तो मैं जो आपको कंपास से काफ़ी सारे एंगल बनाना सिखाया हूँ, आप जाकर के प्ले लिस्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और बहुत सारे एंगल, मतलब आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये एंगल भी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा और आज हम लोग सीखेंगे 155 डिग्री एंगल बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को 103 स्टेप में होगा। पहला क्या करना है, हम लोग को 150 बनाना है और उसके बाद क्या बनाना है, 160। हमने 150 बनाएंगे एंगल और फिर अगर 160 बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि एंगल बाइसेक्ट कर देंगे, तो 155 डिग्री एंगल हमको मिल जाएगा, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे और हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले 160 बना लीजिए या 150 बना लीजिए, दोनों बना सकते हैं आसानी से। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, रुक जाइए, यहाँ पर हमने रखा और हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। देखिए मैंने यहाँ इस बार वाली इस वीडियो में हमने क्या किया, पेंसिल नहीं लिया, ठीक है, अरे सॉरी स्केच नहीं लिया, पेंसिल का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि अभी आगे मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बारीक एंगल हमने ये बनाया 60, उसके बाद ये बना दिया हमने कितना, 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग रखेंगे यहाँ पर के, यहाँ पर कट करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ कट करेंगे, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। और फिर जो ये था इस पॉइंट पे रख करके यहाँ कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मैं यहाँ पे ये कट किया और ये कट किया हूँ, ये 150 और ये 160 है, ठीक है। आइए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं अच्छे से, डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ये रखें और ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे रखेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, मतलब इस पे हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे, अब ध्यान देने वाली बात है कि मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि एंगल कितना बना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम परफेक्टली ये डॉटेड लाइन देखिए कट करके 150 जा रहा है और ये डॉटेड लाइन किस पे जा रहा है, 160 पे जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि अब हम लोग को क्या करना है, 160 पर रख करके और 150 पर रख करके क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, जो कि 100 यहाँ पर ये 60 है, थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक, हमने ये किया। उसके बाद यहाँ रखेंगे इसको, ठीक है, अब देखेंगे तो जहाँ पे पतला सा है ये पॉइंट है, एकदम बीचों बीच ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे लाइन को पूरा ओरिजिनली, ठीक है। अब हमने ये किया, अब इसको हम लोग ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए 155 डिग्री एंगल एकदम आराम से बन चुका है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देखिए ये रहा लाइन और ये लाइन जा रहा है, ये रहा 150 160, इसके बीच में लाइन जा रही है, ये 155 के बीच में एंगल जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ अच्छे से, और ये हमारा हो जाएगा 150 डिग्री। अब मैं इसका नाम देता हूँ अच्छे से, देखिए अगर इसका नाम दे दूँ इस लाइन का ए, इसका नाम दे दूँ बी, और इसका नाम दे दूँ सी, और इसका नाम दे दूँ ओ, और अगर इसका नाम दे दूँ मैं क्या डी, तो हमारा एंगल क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो अगर ए ओ डी लेंगे, अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा, एंगल ए ओ डी अगर लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ गलती से 150 लिख दिया था, ये हो जाएगा 155, ठीक है। अब देखिए ए ओ डी लेंगे तो हमारा ये 150 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सी ओ डी लेंगे तो एंगल सी ओ अगर डी लेंगे तो ये 160 डिग्री बनेगा, और इन दोनों को अगर हम बाइसेक्ट किए जैसे कि आप देख सकते हैं, तो एंगल बी ओ डी हमारा कितना हो जाएगा, 155 डिग्री एंगल हो जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। बी ओ डी हमारा कितना हो जाएगा, 155 डिग्री एंगल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।